श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोगों को सावन सोमवार की अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो बहुत ही दिनों बाद आता है, इसीलिए सभी लोग इस सावन सोमवार की अष्टमी का बहुत बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। इस सावन सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले हमने आपको बहुत सारे उपाय पहले से ही बता दिए हैं, पर इस वीडियो में हम आपको 5 दीपक वाला उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को आप आज के दिन पूरे दिन अच्छे से बैठकर समझ सकते हैं, क्योंकि उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय नहीं है, वो है शाम का समय, क्योंकि 5 दीपक वाले उपाय को हमें शाम के समय ही करना है। और दोस्तों, सावन सोमवार की अष्टमी है, वही सबसे बड़ा दिन है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का, और भगवान शिव जी इस दिन आपसे बहुत आसानी से प्रसन्न भी हो जाएंगे। अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी छोटी से छोटी जितनी भी गलतियां आपसे हो जाती हैं उपाय को करने में उनको भी माफ करते हैं, और आपकी मनोकामनाओं को भी वो पूर्ण और करते हैं। तो दोस्तों, 5 दीपक वाला उपाय एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो भगवान शिव जी जरूर पूर्ण करते हैं, पर उसके लिए दोस्तों आपको 5 दीपक वाला उपाय समझना होता है। हम आपको उपाय में छोटी छोटी चीजें बताते हैं जो कि आप लोगों को शायद ही कोई बताता होगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो हम आपको अच्छे से बनाकर बताते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय आपको करना कैसे है। देखिए, 5 दीपक वाला उपाय तो करना है, पर सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये दीपक वाला उपाय करना किसको है। देखिए, विशेष रूप से ये 5 दीपक वाला उपाय पूरे घर परिवार में से किसी एक सदस्य जन को करना है, जरूरी नहीं है कि सभी लोग करें, पर हाँ, अगर किसी को करना हो, किसी की विशेष कोई मनोकामना हो, कोई बड़ा काम हो, भाई वो नहीं हो रहा हो, तो भाई वो अपने लिए अकेले के लिए भी जो है ये 5 दीपक वाला उपाय कर सकता है, पर अगर देखा जाए तो पूरे घर परिवार में से अगर कोई एक सदस्य जन भी ये उपाय करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस 5 दीपक वाले उपाय का फल मिलेगा। ठीक है, अब वो सदस्य जन होगा कौन? तो देखिए, यहां ये बात भी समझ लीजिए कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों से में से कोई भी एक माता बहन जो है इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकती है। सभी माताओं बहनों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक घर में से एक व्यक्ति जो है, एक माता बहन जो है, इस उपाय को जरूर करें ताकि उनके पूरे घर परिवार को जो है इस उपाय को करने का फल मिल जाए, क्योंकि घर की जो लक्ष्मी होती है वो खुद माताएं बहनें ही होती हैं। जब वह इस उपाय को करेंगी तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे, और इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में धन समृद्धि भी बढ़ेगी, धन की कमी भी दूर, सुख शांति भी आएगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। इतना बड़ा ये 5 दीपक वाला उपाय है। अब दोस्तों, यहां पर बात आती है कि ये उपाय हमें करना किस समय है। आप लोग वैसे ही समझ गए होंगे कि ये उपाय आपको किस समय करना है, क्योंकि हमने आपसे बोला कि आज का ये दिन आपके पास पूरा है, आप पूरे दिन जो है इस उपाय को अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय ही है, प्रदोष काल का समय ही है, क्योंकि इसी समय आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, तो आप इसे उपाय को अच्छे से समझ कर सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं सावन के महीने में, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था,
वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भीम ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दीपक वाला उपाय आपको करना कैसे है। उससे पहले आपको शाम के समय का भी एक मतलब मन में ये बात आ रही होगी कि भाई ये वाला जो उपाय है ये शाम के समय किस समय करना है। तो देखो, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है ये भगवान शिव जी का सबसे प्रिय समय होता है। सावन सोमवार के अष्टमी का दिन रहेगा, सोने पे सुहागा वाला दिन रहेगा। तो भाई इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो वो समय होता है, वो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है। मतलब आज के दिन का शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। पर हो सकता है कि भाई इस बीच में कोई व्यक्ति ये उपाय ना कर पाए, तो भाई वो व्यक्ति क्या करे। तो देखो, वैसे भी सावन सोमवार की अष्टमी का दिन ऐसा बार बार तो आता नहीं है। तो भाई अगर आप चाहो तो इस उपाय को आप लोग 7:30 या रात 8 बजे तक भी कर सकते हो। और अगर रात 8 बजे तक भी आप लोग लेट हो जाते हो ना, तो भी आप लोग उपाय को कर लेना, क्योंकि भाई सावन सोमवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हो 8 बजे के बाद भी, तो भी आप उपाय को जरूर कर लेना, अगर आपके मन में सच में इस उपाय को करने के लिए एक ललकता है तो, है ना। अब हम समझते हैं कि आपको करना कैसे है। देखिए, उपाय के नाम में ही हमें समझ आता है कि ये उपाय में क्या करना है। ये उपाय 5 दीपक वाला उपाय है। सीधी सी बात है कि इसमें हमें 5 दीपक तैयार करने पड़ेंगे। इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, सुबह स्नान कर लीजिएगा। शाम को हाथ मुंह धोकर ही इस उपाय की तैयारी कीजिएगा और उपाय को करने के लिए जाइएगा। तो जब भी आप उपाय करने वाले हो, शाम के समय आधे घंटे पहले से उपाय की तैयारी को करके रख लीजिएगा, क्योंकि एकदम से फिर जल्दबाजी में आपके उपाय की तैयारी अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमें 5 दीपक तैयार करने हैं। अब जो 5 दीपक लेंगे वो किस चीज के लेंगे, क्या आटे के लेंगे या मिट्टी के लेंगे। तो देखिए, यहां पर हम आपको बता दें कि जो 5 इस उपाय के लिए आप लोग दीपक लेंगे वो मुख्य रूप से आटे के दीपक लेंगे। ठीक है, किस चीज के लेंगे, आटे के दीपक है ना। यहां पर अगर मिट्टी के दीपक, अगर आप किसी के मन में हैं कि भाई हमें तो मिट्टी के दीपक लेना है, तो भाई अगर आपके पास 5 नए मिट्टी के दीपक हैं तो भैया वो मिट्टी के दीपक ले सकते हो, अन्यथा मुख्य रूप से तो आपको आटे के दीपक ही तैयार करने हैं। आटे के दीपक भी जो आप तैयार करोगे, इन आटे के दीपकों में से को क्या करना है, आटे के दीपक को जो है आपको आटा ही अलग से गूंदना है। गूंदने का मतलब क्या है कि इस जो ये 5 दीपक आप लोग बनाने वाले हो, उसके लिए थोड़ा सा आटा अलग से लेकर उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। आपको नमक डालना है ना, कुछ डालना है, मात्र 7 आटा लेकर पानी डालकर उनको गूंद लेना है और 5 मीडियम साइज के दीपक तैयार कर लेने हैं। मीडियम साइज के कहने का मतलब है कि ना वो दीपक छोटे हो ना वो दीपक बड़े हो। इस तरीके से आप लोगों को जो है अपने उस आटे से जो है 5 मीडियम साइज के आटे के दीपक तैयार कर लेने हैं। जैसे ही आपके आटे के दीपक तैयार होते हैं तो इन आटे के दीपकों को आप अपनी कोई भी एक पूजन वाली थाली ले लो या तो कोई एक प्लेट ले लो जिसके अंदर ये 5 दीपक बन जाए, क्योंकि इन 5 दीपकों को हम हाथ में तो रखकर कहीं लेकर नहीं जा सकते, इसलिए किसी पात्र के अंदर ये 5 दीपकों को आप पहले ही जमा लो। जैसे ही आपके बनकर तैयार होना आप वैसे ही जमा लो। जैसे ही आपके ये 5 दीपक बनकर जम जाते हैं, आप अपनी पूजन वाली थाली में रख लेते हो। इसके बाद में आती है इन दीपकों को तैयार करने की बारी, है ना। अब इन दीपकों को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज आती है कि इसके अंदर हम बात ही कौन सी रखेंगे। तो देखिए, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि भगवान शिव जी के कार्यों में या भगवान शिव जी के उपाय, भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोलबत्ती का प्रयोग किया जाता है। अब गोलबत्ती भी दोस्तों, यहां पर बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं कि कुछ लोग जो है उपाय को करने में बाजार की गोलबत्तियां जो है लाकर रख देते हैं। तो भाई आपको जो यहां पर बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आप इन 5 दीपकों के अंदर बाजार की बत्ती ना रखकर आप लोग अपने हाथों से बनाई हुई गोलबत्ती रखोगे तो आपसे भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो भी उपाय हम करते हैं
अगर उस उपाय में हम अगर बाहर की चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस उपाय का प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, है ना? पर अगर सब चीजें हम अपने ही हाथों से बनाकर तैयार करें तो उस उपाय का फल हमें जल्दी भी मिलता है और बड़ा होकर भी मिलता है। तो इसलिए अपने घर में जो रुई रखी हो उस रुई से अपने ही हाथों से गोल बत्तियां बनाना। कितनी गोल बत्तियां बनाओगे? 5 गोल बत्तियां बनाओगे, क्योंकि इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती रखाएगी। उसके बाद में दोस्तों बारी आती है। जैसे ही आप लोग 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती रख देते हो, अपने हाथ से बनाई हुई बाजार की भी रख सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं, पर अपने हाथ से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर है ना। तो जैसे ही आप इन 5 दीपकों के अंदर एक ही गोल बत्ती रख देते हो, उसके बाद में इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे ना, वो विशेष रूप से शुद्ध देसी गाय का घी ही डालोगे ना। तो यहां पर आप लोग तेल डालोगे तो वो सावन सोमवार की अष्टमी का दिन है, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का दिन है, तो भी ना तो तेल चलेगा, ना बाजार का मिलावट ही घी चलेगा, ना भैंस का घी चलेगा। थोड़ी ढूंढना, थोड़ा ढूंढना, थोड़ा कोशिश करना, किसी से पूछताछ करना, शुद्ध देसी गाय का घी लाना, है ना? और इन 5 दीपकों के अंदर घी डाल देना आप लोग, शुद्ध देसी गाय का घी, है ना? और इतना इतना घी डालना जो दीपक है आपने बनाया है ये कुछ देर तक जल सके, है ना? इतना इतना जो है आप लोग शुद्ध देसी गाय को घी अपने 5 दीपकों के अंदर डाल देना। जैसे ही आपने यहां पर अपना जो है घी डाल देते हो, आपको ये 5 दीपक उपाय के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक बात और आप लोग समझ लो कि यह जो 5 दीपक है ये आप लोगों को घर से जलाकर नहीं लेकर जाने हैं, ये आप लोगों को वहीं पर जाकर जलाने हैं जहां पर हम ये दीपक जलाने वाले हैं, है ना? उसके बाद में दोस्तों ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ये किसी और की माचिस से नहीं जलाओगे। जैसे कि आप जहां पर इन दीपक को जलाने वहां पर पहुंचे और आपने किसी और से माचिस ले ली, तो भाई इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आप लोग मदद ले रहे हो, उपाय को करने में मतलब माचिस ले रहे हो, ठीक है? इसीलिए अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना इस उपाय को करने के लिए, है ना? इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। और अगर दोस्तों हो सके तो इन 5 दीपकों को आप जहां जहां पर भी रखने वाले हो वहां वहां पर अपने साथ में थोड़े से चावल के दाने, थोड़े से चावल के दाने ना हो तो कुछ फूल की पंखुड़ियां लेकर जाना जहां जहां पर भी दीपक रखो। तो भाई वहां वहां पर पहले थोड़े से चावल के दाने रखना या तो फूल की पंखुड़ियां रखना, फिर उसके ऊपर ये दीपक रखना, या आप चाहो तो अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपने घर से जो है पूरी उपाय की तैयारी को करके निकलना। 5 दीपक हमने तैयार किए हैं तो सीधी सी बात है 5 अलग अलग जगहों पर ही दीपक रखाएंगे। अब 5 अलग अलग जगहों में से सबसे पहली जो जगह है इन 5 दीपकों में से पहले दीपक को रखने की, वो है भगवान शिव जी का मंदिर। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आपको सबसे पहले नंबर पर पहुंचना है, भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचकर भगवान शिव जी के दर्शन करना है, प्रार्थना करना है, निवेदन करना है और उनके पास में बैठ जाना है, शिवलिंग के पास में बैठना है और अपने पहले दीपक अपनी माचिस से अपनी ही प्लेट के अंदर जलाना है। और जैसे ही आप लोग अपना दीपक जला लेते हो उस दीपक को उठाकर आपको भगवान शिव जी के लिए प्रार्थना करके रख देना है। उस दीपक को आप भगवान शिव जी की इतनी भी पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, क्योंकि हम भगवान शिव जी को इस उपाय के जरिए प्रसन्न कर रहे हैं। तो पहला दीपक थोड़ी दूरी बनाकर, मतलब भगवान शिव जी को आंच ना लगे, इतनी दूरी बनाकर अपना पहला दीपक शिवलिंग के पास में रख सकते हो। आप चाहो तो इस दीपक से आरती भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला दीपक जैसे ही रखते हो तो अपनी वह मनोकामना जरूर बोलना भगवान शिव जी से, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये उपाय कर रहे हो, मनोकामना बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस भी मनोकामना के लिए, जो भी काम के लिए या जिस भी दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो भाई अपना, वह कोई भी एक काम, कोई भी एक मनोकामना जरूर बोल देना, ठीक है? जैसे ही आप अपना पहला दीपक लगाते हो तो भाई वहां से उठ जाना और मंदिर के बाहर निकल जाना, क्योंकि आप हमें जाना है दूसरे स्थान पर, जो कि दूसरे नंबर का दीपक लगाने के लिए, ठीक है? तो दूसरे नंबर का जो दीपक है ये आप लोग लेकर जाओगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे, आपके घर के पास में या उस शिव मंदिर के पास में, जो भी बेलपत्री का पेड़ हो या शिव मतलब मंदिर के अंदर ही हो,
तो वहां पर भी आप लोग जो है दूसरे नंबर का दीपक लगा सकते हो, पर बेलपत्री का पेड़ ही, और वो बेलपत्री का पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए, बड़ा पेड़ होना चाहिए। उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर बैठना, अपने दूसरे नंबर का दीपक अपनी ही माचिस से जलाना और उस दीपक को उठाकर जो है आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख देना। अगर आप इस उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, दूसरे नंबर का दीपक आप लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना और अब वहां से भी उठ जाना, भगवान से प्रार्थना करके, निवेदन करके, अब जो तीसरे नंबर का दीपक है ये दीपक लेकर जाओगे आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे, घर के आसपास या उस बेलपत्री के पेड़ के आसपास, जो भी पीपल का पेड़ हो उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर अपना तीसरे नंबर का दीपक जलाना। तीसरे नंबर का दीपक भी जो है भगवान का नाम लेते हुए पीपल के पेड़ के नीचे रखना और वहां पर ये भगवान से विनती करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना और वहां पर धो देकर वहां से उठ जाना। अब बात आती है चौथे नंबर के दीपक की, तो चौथे नंबर का जो दीपक है ये आप लोग लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। कहां पर लेकर जाओगे? आंवले के पेड़ के नीचे, है ना। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपना ये जो चौथे नंबर का दीपक है इसे जलाना। जलाने के बाद उस आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना, है ना, से प्रार्थना करके, निवेदन करके। अगर किसी कारणवश आप लोगों के यहाँ पर आंवले का पेड़ नहीं मिल रहा है, आप लोगों को तो भाई इस चौथे नंबर के दीपक में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि भाई अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ नहीं है तो आप इस चौथे नंबर के दीपक को शमी के पेड़ के नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई सारे लोगों ने यह प्रश्न किया है आंवले का पेड़ नहीं है तो हम क्या करें, तो आप किसी भी शमी के पेड़ के नीचे भी अपने ये चौथे नंबर का दीपक रख सकते हो, है ना। तो यहां पर यह बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी नंबर के दीपक की, तो इसको विशेष रूप से ध्यान से सुनना। पांचवा और जो आखिरी नंबर का दीपक है आप लोग सीधा लेकर जाओगे अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है। अपने घर के मेन गेट पर आकर आपको रुक जाना है, घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। जो लोग किराए के घर में या मल्टीज में रहते हैं भाई, उनके जो किराए के घर का आखिरी मेन गेट है या मल्टीज का जो आखिरी गेट है जहां से वो अंदर बाहर जाते हैं, वो वहां पर आकर रुक जाए, ठीक है। अब बाहर से खड़े होकर देखना अपने घर की तरफ कि आपका सीधा हाथ या राइट हैंड साइड कौन सा है। भाई वो सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है और अपना वह पांचवा या आखिरी नंबर का जो दीपक है उसे जलाना है, और जलाकर जो है उस राइट हैंड साइड वाली चौखट पर आप लोगों को आपने मुख्य द्वार की चौखट पर रख देना है। भगवान जी शिव जी से प्रार्थना करके और अपनी वह मनोकामना बोल के, जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, एक मनोकामना विशेष रूप से पहले दीपक को जलाते समय बोलना, और एक मनोकामना आप लोग विशेष रूप से, मतलब मनोकामना एक ही होगी, बस बोलना आप लोगों को पहले दीपक को जलाते समय है, और एक पांचवें दीपक को जलाते समय विशेष रूप से मनोकामना बोलना जरूरी है। मनोकामना जैसे ही बोलते हैं भगवान शिव जी के नाम लेकर आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना, आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। हमने जिस तरीके से आपको उपाय करने के लिए बताया है, जैसे कि पहले नंबर पे आप लोगों को शिव जी के जाना है, दूसरे नंबर पे फल जो है पीपल के पेड़ के नीचे, फिर आंवले के पेड़ के नीचे आंवला ना हो तो शमी के पेड़ के नीचे, फिर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर इसी तरीके से आपको लाइन से दीपक जलाना है। ऐसा ना हो कि पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें या दूसरा कहीं और रख दें, तीसरा कहीं और रख दें। जैसे हमने आपको बताया वैसे ही आप लोग दीपक रखिएगा, आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा और बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा। बाकी दोस्तों, इस पांच दीपक उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत से परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके पास शाम तक का समय है, आप इस उपाय को अच्छे से समझें और शाम के समय प्रदोष काल में जरूर करें। उपाय थोड़ा लेट भी हो जाए तो भाई जरूर कर लेना, आपको फल जरूर मिलेगा। कोई भी दिक्कत से, मुझसे परेशानी आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।